फ्रेंड्स बेटा सिक्स का चैप्टर नंबर सिक्स द मीडिया एंड डेमोक्रेसी असं करा देखेंगे कि मीडिया और डेमोक्रेसी का आपस में की रिलेशन है और मीडिया क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी सक्सैसफुल बनाने वास्ते और ये भी देखा मीडिया हों की है मास मीडिया की है और यदा रोल की है डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी तुम ऑलरेडी पता है कि ऐसी गवर्नमेंट है विच इज़ ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल जिहड़ी लोगों द्वारा चुनी जाती है लोगों की गवर्नमेंट है और लोगों लिए काम करती है वो होंगी है डेमोक्रेसी। तो शुरू करते हैं कहिंदा द मीनस बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैट इनफोरमेसन एंड एंटरटेनमेंट आर कॉल्ड मीडिया वो साधन जिन्हां दे नाल बहुत ज़्यादा गिणती दे विच लोग जानकारी लेंदे हन और मनोरंजन लेंदे हन उन्हां साधनां नूं असीं मीडिया का नाम दिंदे हां। द मीडिया दैट कैन रीच अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम आर कॉल्ड मास मीडिया और वो मीडिया जिहड़ा बहुत ज़्यादा लोगों तक इको ही टाइम अपनी इनफॉर्मेशन पहुँचावे उन्हूं असीं मास मीडिया का नाम दिंदे हां। सो ऐसा मीडिया जिहड़ा कि लखां करोड़ां तक एक ही टाइम इनफॉर्मेशन दिंदा है वो मास मीडिया हुंदा है। मास का मतलब यही हुंदा है कि अ नंबर ऑफ पीपल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सम एग्जाम्पल्स आर मास मीडिया के एग्जाम्पल्स ने जिवें रेडियो है टैलीविजन है न्यूज़पेपर्स है मैगजीनस है और इंटरनेट है। कहिंदा रेडियो टीवी एंड इंटरनेट आर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया। सो ये रेडियो टीवी तो इंटरनेट ये बिजली नाल चलते हैं। वी नीड टू यूज़ इलैक्ट्रॉनिक्स टू एक्सेस दीज बट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीनस आर प्रिंट मीडिया। लेकिन अखबारों और मैगजीन ये प्रिंट मीडिया ने। दीज आर प्रोवाइड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी एक्सेस्ड विदाउट द यूज़ ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स। जिथे टीवी रेडियो वगैरह बिजली नाल चलते हैं उत्थे न्यूज़पेपर मैगजीन जिहड़े ने प्रिंट मीडिया ने और इन्हां वर्तन वास्ते सानू इलैक्ट्रिक की जरूरत नहीं है इलैक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। अगे दसदा कहिंदा इन डेमोक्रेसी मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली डू नॉट डायरैक्टली टेक पार्ट इन गवर्नेंस। सानू पता है कि डेमोक्रेसी हालांकि लोगों की गवर्नमेंट है लेकिन ज़्यादातर लोग जिहड़े ने डायरैक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते गवर्नमेंट दे विच। However, they must have knowledge of government's policies and means to express their opinions on such policies. लेकिन फिर भी लोग जिन्हां ने सरकार चुननी है उन्हां नूं नॉलेज होनी चाहिए है कि सरकार दीआं पॉलिसीज़ की ने और लोगों के कोल ऐसे साधन होने चाहिए ने जिन्हां राहीं वो अपने विचार गवर्नमेंट दीआं पॉलिसीज़ उपर दे सकन। विदाउट दिस देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। अगर लोगों को विचार रखने की आज़ादी नहीं होएगी तो डेमोक्रेसी जिहड़ी पॉसीबल नहीं हो सकती। द मीडिया कीप द पीपल इनफॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज़। ये मीडिया ही है रेडियो टीवी न्यूज़पेपर जो कि लोगों को गवर्नमेंट दीआं एक्टिविटीज़ बारे जानकारी दिंदा रहिंदा है। द पीपल कैन एक्सप्रैस देयर व्यूज़ थ्रू द मीडिया हैंस द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो लोग जिहड़े ने अपने विचार मीडिया राहीं गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं और मीडिया जिहड़ा है वो डेमोक्रेसी इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक गवर्नमेंट नूं रिस्पोंसिबल बनाउंदा है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस कड़े ने मीडिया दे। सो मीडिया परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। मीडिया जिहड़ा है बहुत ज़्यादा फंक्शंस करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ने जिवें इनफॉर्मेशन देनी डिस्कशन करवानी डिबेट करवाना किसी मुद्दे के उपर शेपिंग पब्लिक ओपीनियन लोगों के विचारों नवा रूप देना। सो एक करके असं डिस्कस करते हैं। पहला फंक्शन है मीडिया का गिविंग इनफॉर्मेशन लोगों को जानकारी देना। To form intelligent opinions about different happenings around us, we need correct and unbiased information on them as and when they happen. जदों कोई घटना हुंदी है तां सानूं उहदी सही ते निरपक्ष सच्ची जिहड़ी जानकारी है वो मिलनी जरूरी है तां कि असीं उस घटना बारे सही विचार बना सकीए। Similarly, to form opinions about the actions of the government, we need information about the government's policies as and when they are adopted. इस तरह जदों सरकार कोई पॉलिसी बनाउंदी है तां सानूं जिहड़ा है उस पॉलिसी दे बारे सही सही जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है। द मीडिया कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन अराउंड अस इन आर कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। मीडिया जिहड़ा है सानूं जिथे साडे देश दे बारे लेटेस्ट इनफॉर्मेशन दिंदा उत्थे पूरे वर्ल्ड बारे भी दसदा है। द गिव अस द लेटेस्ट इनफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स अबाउट पॉलिसीज़ ऑफ आर गवर्नमेंट एंड अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ अदर कंट्रीज टूवर्ड्स आर कंट्री। सो मीडिया जिहड़े ने रेडियो टैलीविजन एटसेट्रा इन्हां दे राहीं जिते सानूं अपनी सरकार दी पॉलिसीज़ दीआं बारे पता लगदा है उत्थे दूसरे कंट्रीज़ दीआं की पॉलिसीज़ ने साडे देश बारे उन्हां बारे भी सानूं इनफॉर्मेशन मिलदी है थ्रू द न्यूज़ एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स। नैक्सट फंक्शन है मीडिया का फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। एक ऐसा मंच है एक ऐसी स्टेज है मीडिया जिथे कि
अलग अलग पार्टीज़ की डिस्कशन करवाई जा सकती है, लोगों के डिबेट करवाया जा सकता है किसी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी के उपर। द मीडिया ऑर्गेनाइजेज डिस्कशनस एंड डिबेट्स ऑन वेरियस सोशल इकनोमिक एंड पोलीटिकल इशूज़। सो मीडिया जड़ा है किसी भी सोशल इकनोमिक पोलीटिकल मामले के उपर डिस्कशन करवा सकता है, जिमें हूँ अलग अलग तरह के कानून बनते हैं या नवी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट दियाँ ने तो उन्होंने उपर जड़ा है विचार चर्चा करवा सकती है। यू मे हैव वाच्ड सच डिस्कशनस ऑन डिबेट्स ऑन टैलीविजन और हर्ड दैम ऑन रेडियो। तुम ऑलरेडी यह जी चीज़ें सुनते रहते हो रेडियो के उपर और टैलीविजन के उपर डिबेट देखते हो डेली। द पार्टीसपेंट्स इन दीज डिस्कशनस एंड डिबेट्स ऑफन इंक्लूड कॉमन पीपल एज वैल एज पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, लीगल एक्सपर्ट्स एंड सो ऑन। ऐसे डिबेट्स के कौन कौन पार्टीसपेट करते हैं, जिमें राजनीतिक नेता ने, पत्रकार ने अखबारों के, या फिर इकोनॉमिस्ट ने जो कि इकोनॉमी बारे जानकारी रखते हैं, वे वे बिजनेसमैन, दैन लॉयर्स वगैरह, इन दे राही डिबेट करवाया जाता है। दिस गिव्स पीपल विद डिफरेंट ओपीनियंस अ चांस टू मीट एंड नो ईच अदरस व्यूज। सो ये लोगों को जोड़ा है अलग अलग विचार जानने का मौका मिलता है एक ही घटना के उपर, चाहे एक ही पॉलिसी के उपर। इट आलसो मेक्स देयर व्यूज नोन टू द ऑडियंस। ये माहिरां दे एक्सपर्ट्स के जोड़े विचार ने भी लोगों तक पहुँचते हैं। पीपल कैन आलसो पब्लिश देयर व्यूज इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, थ्रू लैटर्स टू द एडिटर। लोग खुद भी अपनी लैटर्स जड़िया ने वो न्यूज़पेपर और मैगजीन के प्रिंट करवा सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। दस द मीडिया प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड ओपीनियंस ऑन इशूज़। सो मीडिया एक तरह के फोरम के वांग काम करता है जो कि विचार के वटांदरे पॉसीबल बनाता है और लोग अपने ओपीनियंस जोड़े ने अलग अलग इशूज़ के उपर मीडिया के राही रख सकते हैं। नैक्सट फंक्शन है शेपिंग पब्लिक ओपीनियन। लोगों के विचार एक नवी शेप देता है मीडिया। किस तरह द पीपल्स ओपीनियन अबाउट एन इशू आर बेस्ड मेनली ऑन इनफॉर्मेशन गिवन बाय द मीडिया। जो इनफॉर्मेशन मीडिया देता है लोगों को, लोगों के विचार जोड़े ने उदे उपर ही डिपेंड करते हैं। जो मीडिया दसता है वही लोगों को जानकारी मिलती है। सच ओपीनियंस आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे द इशू इज़ प्रेजेंटेड बाय द मीडिया। द मीडिया कैन ईवन डिसाइड विच इशू शुड बी इन द न्यूज़ एंड विच शुड नॉट। सो मीडिया जोड़ा है उसका बड़ा वड्डा रोल है कि वह किसी मुद्दे को किस तरह दिखाता है। कई बार कुछ इशू जोड़े ने मीडिया दिखाता है, कुछ इशू नहीं दिखाता। सो जो मीडिया चाहता है लोगों को वही जानकारी मिलती है। द मीडिया डू नॉट ऑलवेज परफॉर्म देयर फंक्शंस रिस्पॉन्सिबली। समटाइम्स दे गिव बायस्ड एंड इनकरैक्ट इन्फॉर्मेशन। मीडिया कई बार अपनी जिम्मेवारी भूल जाता है और कई बार गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाता है। हाउएवर द मीडिया कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट राइवल एजेंसीज, ईच ऑफ विच हैज़ द फ्रीडम टू प्रजेंट एन इशू इन इट्स ओन वे। दिस अलाउज द पीपल टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट वर्जनस बिफोर फॉर्मिंग एन ओपीनियन। लेकिन मीडिया के अलग अलग एजेंसीज ने, अलग अलग चैनल ने, और हर एक चैनल खबर को अपने तरीके दे नाल पेश करन दे लई आज़ाद है, और ये अलग अलग चैनल देख के लोगों जोड़ा है सही नतीजे पर पहुँचने का मौका मिलता है। उन्होंने पता लग जाता है कि असलीयत की है। तो मीडिया रन फॉर प्रॉफिट। देखो मीडिया के जोड़े जिन्हें भी चैनल ने, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, प्रॉफिट वास्ते चलाए जाते हैं चैनल। हैंस टू अट्रैक्ट मोर रीडर्स एंड ऑडियंस, दे प्रैफर टू रिपोर्ट थिंग्स दैट मोस्ट पीपल वुड बी इंट्रस्टिड टू नो अबाउट। सो मीडिया कई बार उन्हों खबरों ज़्यादा पेश करता है जो कि लोग सुनना चाहते हैं। द मीडिया देयरफॉर यूजुअली रिपोर्ट्स न्यूज़ अबाउट रिच एंड फेमस पीपल, बट इशूज रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी पीपल आर ऑफन नॉट रिपोर्टेड एज दीज आर कंसिडर्ड अन इंट्रस्टिंग। सो मीडिया ज़्यादातर उही खबर चलाता है जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर। सो मीडिया ज़्यादातर अमीरों बारे और फेमस लोगों बारे खबर चला है। जिमें कोई फेमस एक्टर है तो वह कोई डॉग बीमार है, तो यहोजी खबर भी मीडिया के उपर लगा दी जाती है जो कि सही नहीं है। लेकिन कई बार की होंगे कि गरीबों दबर जो इग्नोर किया जाता है। सो ये गलत चीज़ है। टू डील विद दिस प्रॉब्लम सम ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव फॉर्म देयर ओन मीडिया सो दैट दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन दैट दे कैन दे कंसिडर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ दलित वेमेन इन द चित्रकूट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश रन अ न्यूज़पेपर कॉल्ड खबर लहरिया। सो इस चीज़ को दूर करने लिए कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बना के खुद अपना ही चैनल शुरू कर दिता है, अपना ही मीडिया शुरू किया है। जिमें एग्जाम्पल देता है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट रीजन के दलित औरतों ने अपना ही अखबार चला दिता है खबर लहरिया। कंपोज इन द लोकल बुंदेली डायलैक्ट इट कवर्स इशूज रिलेटिंग टू दलित वेमेन, एजुकेशन, पंचायत मैटर्स एटसेट्रा। और ये जिहड़ा न्यूज़पेपर है उतों की लोकल लैंग्वेज बुंदेली दे विच ही प्रिंट हुंदा है और लोग उन्हां दलितों के और औरतों के जिहड़े मुद्दे ने, एजुकेशन का मामला,
पंचायत के मामले सारे ये डिस्कस किए जाते हैं। इट आलसो इनकलूड्स नोटिसिज अबाउट न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड लॉज। दीज टॉपिक्स गो लार्जली अनरिपोर्टेड इन अदर न्यूज़पेपर्स। और इस न्यूज़पेपर के गवर्नमेंट दी स्कीम्स से गवर्नमेंट के नवे कानून भी डिस्कस किए जाते हैं और ये ज़्यादातर वो मामले डिस्कस किए जाते हैं जो उतों के आम लोगों के ने, लेकिन बाकी अखबार उन्होंने चीज़ों डिस्कस नहीं करते। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मीडिया।